हिमाचल के सभी विद्यार्थियों को मेरा यानी योगेश का स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, हर रोज की तरह उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी नायब तहसीलदार को लेकर और दूसरे एग्जाम्स को लेकर बहुत अच्छी चल रही होगी, और साथ ही साथ दोस्तों इस बदलते मौसम में और कोविड के कहर से आप भी अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख ही रहे होंगे। तो आज जब मैं क्लास शुरू कर रहा था तो मेरे मन में आया दोस्तों कि हर रोज मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हर रोज पढ़ते होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे, और वो जो मेहनत है दोस्तों वो आपकी लर्निंग है, मुझे यहाँ दिखती भी है। लेकिन आज आपसे मैं पूछना भी चाहता हूँ साथ साथ कि कितने स्टूडेंट हैं जो हर रोज अपनी स्टडी में 3-4 घंटे एटलीस्ट जरूर देते हैं। 3-4 घंटे वाले कितने स्टूडेंट हैं मैं पूछना चाहूंगा। और दोस्तों शुरुआत करेंगे सेशन की इसी प्रश्न के साथ, और साथ ही साथ ये चाहूंगा कि सेशन को शेयर और लाइक तो कर ही दीजिए, और साथ ही साथ मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिए। जी गुड इवनिंग, जी सभी को गुड इवनिंग। अफसर, प्रियंका, YR, शुभम और सपना जी हैं हर रोज की तरह, नक्ष, इंदर, विशाल, विवेक, हाँ जी, तो बरखा, सपना, अल्टीमेट। तो बच्चों साथ साथ जरूर बताएं और सेशन को शेयर लाइक करें। मैं जो है सेशन की शुरुआत एक प्यारे से और एक खूबसूरत विचार से कर ही देता हूं। तो दोस्तों आज जो है बड़ा खूबसूरत है दोस्तों, वेकअप बी ऑसम। हर रोज जो है आपकी सुबह ऐसी हो कि दोस्तों आप ऑसम हैं, आपके जो विचार हैं वो बड़े शुद्ध हैं, पवित्र हैं अपने जो लक्ष्य को लेकर दोस्तों, क्योंकि हर रोज जो है एक बदलाव होना चाहिए, एक नई आदत है हमें अपनी धारण करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रांग इंसान हैं दोस्तों, दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट इंसान हैं, और इस चीज के ऊपर आपको बिलीव करना होगा, ट्रस्ट करना होगा। ऐसे विचार जब हर रोज आपके मस्तिष्क में, दिल में आएंगे, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम्स हैं और जिंदगी में जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने लक्ष्य रखा है, उसको आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो गुड इवनिंग जी सभी को। और सर पढ़ाते नहीं सर आप, हाँ जी बिल्कुल, HP की न्यूज भी आती है अंकिता संधू, लेकिन वो लास्ट में आती हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो साथ ही साथ आप बिना किसी कंजूसी के सेशन को शेयर लाइक करते रहिए। और दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन का बिगुल बजा दिया है, और ये जो इलेक्शन का बिगुल है हम हिंदुस्तान के 5 स्टेट्स में जो है दोस्तों उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें हमारा पंजाब है, जिसमें उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है, और भारत का वो स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश है। तो इन 5 स्टेट में इलेक्शन दोस्तों अनाउंस कर दिए हैं, और आज से ही कोड ऑफ कंडक्ट है जो शुरू हो गया है। अब कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि मुख्यमंत्री तो वही है, लेकिन वहां पर जो है गवर्नर है या फिर जो प्रेसिडेंट रूल है एक तरह से लग जाता है। हालांकि हम ये नहीं बोल रहे कि 356 लग जाता है, लेकिन दोस्तों वहां पर जितना भी लॉ एंड ऑर्डर की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर वो गवर्नर की होगी, फिर वो प्रेसिडेंट की होगी। और दोस्तों ये जो शुरुआत है इलेक्शंस की 10 फरवरी से है इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि यूपी बड़ा स्टेट है तो 7 फेसेस में इलेक्शन होगा, और इसके अलावा अलग अलग दिन पे जैसे कि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा 14 फरवरी, और इसके अलावा अगर मैं मणिपुर 2 चरणों में होगा, और दोस्तों मणिपुर में 27 मार्च और 27 फरवरी और 3 मार्च को इलेक्शन होंगे, और इन सभी जो 5 स्टेट्स के जो रिजल्ट हैं 10 मार्च को है डिक्लेयर किए जाएंगे, और इस साल के अंत तक आप सबको पता है हिमाचल में भी इलेक्शन होने वाला है, तो दोस्तों उसकी भी इस तरह से ही अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है इलेक्शन से पहले हम भी अपनी एक गवर्नमेंट जॉब, अपनी जो है एक सरकारी नौकरी है वो पक्की कर ले मैं चाहता हूं, और मैं उम्मीद भी करता हूं यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हर रोज मेरे साथ जुड़ते हैं बहुत मेहनत करके इस 2022 में जो है एक अच्छी जॉब जरूर ले लेंगे, जो भी जॉब आपके लिए दोस्तों जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हो। तो आप में से कितने लोग ट्रस्ट करते हैं, कितने लोग अपने आप पे बिलीव करते हैं कि यस हम इस साल है जॉब जो भी आप चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स यहां पर ऐसे भी हैं कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी अच्छी वैकेंसीज और पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, लेकिन जो भी उनका लक्ष्य है उससे उच्च स्तर की जो नौकरी पाने का, कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं जरूर मुझे बताएं, क्योंकि दोस्तों आपका विश्वास, आपके आंसर ही कल को आपका भविष्य होने वाले हैं। और मैं चलता हूं अगली न्यूज के ऊपर, और दोस्तों यहां पर बच्चों के लगातार मीमी आ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। और आगे दोस्तों चलते हैं, अगली जो न्यूज है वो है केरला से, स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया, जहां पर मसाले सबसे ज्यादा पाए जाते थे। तो दोस्तों केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा दोस्तों, जिसका नाम है पलक्कड़। अब ये जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, अब ये जो पलक्कड़ है दोस्तों, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ने डिसीजन लिया है कि इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल होंगे, चाहे वो सरकारी हो या चाहे वो प्राइवेट हो, वहां पर जो टीचर है टीचर को सर या मैम नहीं कहा जाएगा,
जेंडर न्यूट्रलिटी दोस्तों, उसको सिर्फ और सिर्फ टीचर ही कहा जाएगा। और इवन इस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है कि जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं उनकी यूनिफॉर्म भी सेम होगी, ताकि दोनों को दोस्तों जो है जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ है मोड़ा जा सके। तो ये एक जो है शानदार जो जो डिसीजन है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ने लिया है, जो कि केरला में है। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों केरला से जुड़े पिछले 2-3 हफ्ते में जितने भी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर हमने किए हैं वो जरूर याद आ गए होंगे, या फिर उनको याद करने की कोशिश किया कीजिए, ताकि दिमाग में भी आपकी जो रिवीजन है चलती रहे। और यहां पर जो है विशाल कह रहे हैं कि सर फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट सर एंड मैडम वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स। हां जी बिल्कुल अमित वर्मा जी, और साथ ही साथ जो है स्टूडेंट्स जो है बहुत ही अच्छा है दोस्तों जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर। अब ये जो दूसरी खबर है उससे पहले एक आपसे दोस्तों प्रश्न पूछना चाहूंगा, हमारे हिंदुस्तान में जो नेशनल इनकम है दोस्तों जीडीपी, इसको कैलकुलेट कौन करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट कौन करता है? तो आप सबको पता होगा हमारी वैसे इनकम निकालने के 4 मेथड रहते हैं दोस्तों, जिसमें जीडीपी है, जिसमें हमारा एनडीपी है, फिर हमारा जीएनपी है, और फोर्थ है हमारा एनएनपी। अब आमतौर पे जब भी हम इनकम जो संबंधित है जीडीपी को ही पढ़ते हैं। अब इस साल और दोस्तों हर साल है हमारी भारत की गवर्नमेंट हो या बहुत सारी जो एजेंसीज हैं दोस्तों, वो कैलकुलेट करती हैं किसी भी देश की या किसी भी बड़ी कंपनीज की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट। तो वैसे भारत में जो जीडीपी कैलकुलेट करता है आधिकारिक तौर पे वो करता है, यहां पर जो है बच्चों ने सपना ठाकुर ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अंकिता संधू तो एनएसओ देखकर शायद आपने आंसर दे दिया, तो दोस्तों उसको कैलकुलेट करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये जो सर्वे है वो एनएसओ का है, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। तो ये बोलते हैं कि भारत की जो अभी लास्ट जो क्वार्टर में भी अच्छी ग्रोथ रेट रहेगी, और ये 2021-22 का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट इन्होंने 9.2% दिया है। हालांकि ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जरूर पता हो कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो प्रोजेक्टेड है, आप सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग से दे रही है, आरबीआई अलग से दे रही है, और दोस्तों एनएसओ ने 9.2% दिया है। अब देखते हैं कि ये जो लास्ट क्वार्टर है ओमिक्रॉन की वजह से कितना अफेक्ट है वो हो पाता है। उम्मीद तो यही करेंगे सब कुछ सही रहेगा और दोस्तों प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट से ज्यादा ही हम अचीव करेंगे। और साथ ही साथ मैं 2 तरह के प्रश्न आपको यहां पर बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो ये जो हमारी 4 डेफिनेशंस हैं इनके बारे में आपको जरूर पता हो, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे देश की बाउंड्रीज के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है उसे हम देश की जीडीपी बोल देते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं अब क्योंकि नायब तहसीलदार का पेपर दोस्तों उसकी तैयारियां शुरू हो गई होंगी और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। और यहां पर साथ ही साथ मैं बच्चों को यह भी बोलना चाहता हूं दोस्तों कि हमारा जो 5 तारीख को बैच शुरू हुआ था उसमें अब कुछ ही सीटें बची हुई हैं, अगर आपने अभी भी एडमिशन नहीं लिया तो एक अफोर्डेबल फीस के ऊपर आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और अगर एडमिशन नहीं भी लेना किसी तरह की गाइडेंस लेनी है तब भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों जीडीपी की बात कर रहा था, देश के अंदर जो हमारी सर्विसेज हैं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम जीडीपी बोल देते हैं। दूसरा एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोस्तों अगर जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन कम कर दें, मान लीजिए दोस्तों ये मेरा ये जो मोबाइल है अब अगर मैंने इसको 20,000 में खरीदा तो 1 साल में दोस्तों 6 महीने में इसकी कीमत में कुछ ना कुछ तो डेप्रिशिएट होगा ही होगा। तो अगर हम जीडीपी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं उनकी जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है अगर उसको माइनस कर दें तो उसे हम एनडीपी बोल देते हैं। और मुझे पता है जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं पढ़ा उनको समझ भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाद में वीडियो को 1-2 बार जब देखेंगे और साथ ही साथ इसका डेफिनेशन देखेंगे आप तो आपको ये जरूर समझ आएगा। तीसरा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे कि जीडीपी की तरह हम सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज के अंदर सीमित नहीं रहेंगे, जो बाहर से कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है एफडीआई एफआईआर है उसको भी हम, जो फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहा है उसको भी हम इसमें इंक्लूडेड कर लेंगे। और अगर हम जीएनपी में से डेप्रिशिएट कर देंगे दोस्तों जो वैल्यू जो भी कंपनीज बाहर से आ रही हैं उन प्रोडक्ट की उन सर्विसेज की वैल्यू को हम डेप्रिशिएट कर देंगे तो फिर हमारा फाइनल एनएनपी आ जाएगा। और आमतौर पे नेशनल वैल्यू जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट जब करते हैं तो हम अपनी जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 5-6 प्रश्न आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है, इससे जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता था वो चाहता था दोस्तों, अक्सर जो हमारा प्लानिंग कमीशन था अब तो खत्म हो चुका है, नीति आयोग आ चुका है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि जो प्लानिंग कमीशन जिनकी शुरुआत 1951 से हुई थी, कि कौन कौन से ऐसे हमारे 5 ईयर प्लान थे जहां पर हमने अपनी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट से ज्यादा जो है दोस्तों जो ग्रोथ है जीडीपी की वो अचीव की है। तो अक्सर इस तरह के जो प्रश्न है वो आ सकते हैं, तो आप उनकी भी एक लिस्ट है बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से 5 ईयर प्लान में हमने ज्यादा अचीव किया और किस में हमने कम अचीव किया। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं, गुड इवनिंग जो कर रहे हैं, जो अभी आ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों जो है लेट हो गए, कोई बात नहीं, आदि मानव जी आप आ रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ लोग सीट्स बता रहे हैं, सीट्स की बात करें दोस्तों पंजाब में बिल्कुल 117 है, लेकिन सीट्स को लेकर ज्यादातर जो प्रश्न है सबसे ज्यादा या सबसे कम आ जाता है। सबसे ज्यादा यूपी 403, सबसे कम सिक्किम 32, आपको पता ही होगा। और हम चलते हैं दोस्तों आगे। व्हाट डज आरबीआई डू? आरबीआई का मेन काम अमिताभ ठाकुर जी हमेशा रहता है हमारी जो मॉनिटरी पॉलिसीज हैं तो उनको जो है इस तरीके से रेगुलेट करना ताकि देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे और हमेशा उतना पैसा मार्केट में रहे जिससे कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अपना बिजनेस चलाते रहें। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और पर्याप्त मात्रा में जो है पैसा रखना आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी का मेन पर्पस है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले जो है क्वेश्चन पे। और दोस्तों अगला जो प्रश्न है इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फ्रांस। तो फ्रांस और जो फ्रांस की अगर हम बात करें तो दोस्तों उससे पहले चाहूंगा कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं ये 2-3 प्रश्न जो हो चुके हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और दोस्तों आपको जो है समझ आ गए तो सेशन को बिना किसी कंजूसी के शेयर लाइक तो कर ही दें। तो दोस्तों फिलहाल जो है फ्रांस में वहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, यहां पर मैं फिर लिख देता हूं निमास। दोस्तों इस जो है आपको तस्वीर में भी दिख रहा होगा कि निमास। तो दोस्तों निमास ने जो है रिसेंटली मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया था। अब मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर, एडवेंचर से जुड़े बड़े सारे स्पोर्ट्स, अब जैसे कि साइकिलिंग है दोस्तों पहाड़ों पे, जैसे कि ट्रैकिंग है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग है, तो इस तरह के बड़े सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए थे और इसमें भारतीय जो आर्मी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों चाहे वो जो विंटर ट्रैकिंग हो 250 किलोमीटर तक की, चाहे वो 19 पैरा जंप्स हो, चाहे वो 975 किलोमीटर की साइकिलिंग हो, तो सभी में भारत की जो जो आर्मी है बेहतर प्रदर्शन किए हैं। और ज्यादातर दोस्तों ये जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं ये मेडिटेरियन सी में ही करवाए गए थे। तो मेडिटेरियन सी में ये दोस्तों ऑर्गेनाइज किया गया था। और निमास का फुल फॉर्म आ सकता है, भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया आ सकते हैं और किस तरह के स्पोर्ट्स यहां पर किए गए ये भी आपको आ सकता है। और साथ ही साथ आदि मानव जी बहुत अच्छा कल ही पढ़ा था IUHE न्यू वेरियंट भी हमारा फ्रांस से है जी। बहुत अच्छा लगता है जब आप जो है पीछे कुछ दिनों में पड़े हुए करंट अफेयर को इस तरह से लिखते हैं। और वेरी गुड देवेंद्र सिंह नलवा जी, जो है मॉनिटरी पॉलिसीज जो है वो कई तरह की है, ये मनी के टाइप से है। मॉनिटरी पॉलिसी तो हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन कल भी हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो। और अब चलते हैं दोस्तों अगली न्यूज पे। और अगली जो न्यूज है वो कजाकिस्तान से जुड़ी है, कल भी हमने पढ़ा था कजाकिस्तान के बारे में। और कजाकिस्तान के साथ ही साथ मैं आपसे जिक्र कर लूं, हमने सूडान की भी बात की थी कुछ दिन पहले, तो सूडान में भी दोस्तों है वहां के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम कुछ जो है हेमलोक, कुछ ऐसा नाम था हेमलोक, उन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि वहां पर जो लोग थे, वहां पर जो मिली जुली सत्ता चल रही थी आर्मी और दोस्तों हेमलोक की, उस सत्ता के खिलाफ वो खड़े हो गए थे। तो फिलहाल जो हेमलोक ने इस्तीफा दे दिया था और ऐसा ही जो है कजाकिस्तान में हुआ। दोस्तों दुनिया के कई देशों में ऐसा हो रहा है। अब आपको क्या लगता है उसका रीजन क्या हो सकता है? बड़े सारे रीजन हो सकते हैं लेकिन मुख्य तौर पे हम देखें तो दोस्तों बढ़ती महंगाई या फिर जो है दोस्तों बढ़ती बेरोजगारी जो है इसका मुख्य जो है रीजन है। और दुनिया में वहीं पर हैं जो जो सरकारें हैं, सरकारों को रिजाइन देना पड़ा है ज्यादातर जहां पर आम लोगों ने है दोस्तों विद्रोह कर दिया हो। तो COVID-19 के बाद कजाकिस्तान, वैसे मैं बता दूं आपको सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों ये देश है कजाकिस्तान। और आपको सबको ये भी पता होगा कजाकिस्तान की जो सिचुएशन से पहले कि कुछ ही दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की हमने एक समिट भी ऑर्गेनाइज की थी दिल्ली में अजीत डोवाल जी की अध्यक्षता में, जिसमें कजाकिस्तान था। ये दोस्तों पांचों कंट्रीज हैं जो कजाकिस्तान, तुर्मेकिस्तान दोस्तों, फिर तुर्मेकिस्तान, तजाकिस्तान, कराइजिस्तान, कजाकिस्तान और एक उज्बेकिस्तान। और आपको ये भी याद होगा कि हमारा रिपब्लिक डे भी आने वाला है और हमने रिपब्लिक डे पे अपने गणतंत्र दिवस पे इन पांचों देशों के जो हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाया भी था। दोस्तों ये तो बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी रिजाइन दे चुके हैं और अब यहाँ की कमान यहाँ के राष्ट्रपति ने दोस्तों संभाल तो जरूर ली है, कासिम जोमाट इनका नाम है,
लेकिन फिलहाल वहां पर जो स्थिति बहुत ही गंभीर जो है बनी हुई है। अब जो रशिया है, रशिया एलिगेशन लगा रहे हैं यूएसए और उसके अलाइड पार्टनर्स पे कि यहाँ पर जो इंटरनल जो दोस्तों रिवोल्ट हुई है उनकी वजह से हुई है, और उल्टा यूएसए है अब रशिया पे है, उल्टा जो है इल्जाम लगा रहे हैं कि वो व्लादिमीर पुतिन का जो सपना है कि दोबारा से जो रशियन अंपायर है, जो सोवियत यूनियन जो 91 में बिखर गया था उसको इकट्ठा करने की वजह से अब वो यहां पर इंटरनल दोस्तों डिस्प्यूट करवा रहे हैं। तो दुनिया है एक दूसरे के ऊपर है, दोनों जो हम फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड बोल देते हैं एक दूसरे के ऊपर है, इल्जाम लगा रहे हैं। तो स्थिति यहां पर बड़ी ही जो है दोस्तों भयानक है, और उम्मीद करेंगे कि हालांकि इतनी जल्दी कुछ सुधरने के चांसेस नहीं लगते दोस्तों, इतनी ज्यादा हालात खराब हैं कि किसी भी ऐसे लोग जो वहां पर किसी भी तरह का टेररिज्म फैला रहे हैं उनको देखते ही मारने के ऑर्डर्स हैं वहां के प्रेसिडेंट ने हैं दे दिए हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर नूर सुतून वहां की कैपिटल है, वेरी गुड जी, और जो है गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे थे ये चार पांचों के पांचों कंट्रीज, इनका मैं नाम एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, कजाकिस्तान, कराइजिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। दोस्तों ये पांच कंट्रीज थे और हमने सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग भी की थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है ये सेशन, ये जो न्यूज है कंप्लीट है, और इसके बाद हमारी जो आखिरी जो न्यूज है वो जुड़ी है क्रिकेट से। तो क्रिकेट की जो बात करें दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर आपको जरूर याद होगा कि वो दुबई में है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, और इन्होंने कल एक नया फैसला लिया है। उस फैसले को सुनने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो T20 मैचेस हैं जिसमें 20 ओवर की गेम रहती है, तो आमतौर पे यहां पे क्या है कि दोस्तों पहले 6 ओवर्स में यहां पर एक जो 30 यार्ड का सर्कल है, 30 यार्ड के सर्कल के बाद सिर्फ दो ही प्लेयर्स रह सकते हैं, सिर्फ दो ही प्लेयर्स को इजाजत मिलती है, और दोस्तों 6 ओवर के बाद मैक्सिमम 5 ही प्लेयर्स हैं वो बाहर रह सकते हैं। अब एक नया डिसीजन आया है, एक नया रूल बना है T20 को लेकर जो अगले महीने से जिसकी शुरुआत होगी। तो दोस्तों इस नए रूल में जो है इन्होंने कहा है, आईसीसी ने कहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, कि अगर आपकी ओवर रेट स्लो होगी, जो भी आपको समय मिला है अपने 20 ओवर दोस्तों डालने का, अगर आप उसमें निर्धारित समय से ज्यादा टाइम पीरियड लगाएंगे तो आपके ये जो प्लेयर्स हैं, अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि हालांकि इन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं कहा कि कितने प्लेयर्स होंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए 5 प्लेयर्स हैं 6 ओवर के बाद हो सकते हैं 30 यार्ड के बाहर, तो इनको कम कर दिया जाएगा, इनको 4 भी किया जा सकता है, इनको 3 भी किया जा सकता है, और ये चीज दोस्तों जो बैटिंग कर रही है टीम के लिए बड़ी लाभदायक हो सकती है, क्योंकि वो फिर खुल के अपने हैं चौके छक्के लगाएंगे। तो ये जो नया रूल है आईसीसी ने कहा है अगले महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों 2022 में हम आ चुके हैं। अब आप में से पता नहीं कितने स्टूडेंट्स मेरा जो 4:15 का जो लेक्चर है वो अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर मैं एक महीने के करंट अफेयर करवा रहा हूं, तो आज उसमें मैंने एक डिस्कस की थी, मैं आपसे भी इस जो है सेशन में भी डिस्कस कर देता हूं, बड़ी सारे जो इवेंट्स हैं जो इस साल होने वाले हैं या अगले सालों में दोस्तों वो आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। तो जल्दी से है आप इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 2022 की बात करूं तो इस साल फीफा का U17 वुमेन वर्ल्ड कप दोस्तों भारत में होने वाला है, इस साल फीफा का U17 वुमेन फुटबॉल कप। फिर दूसरा जो नॉर्मल फीफा वर्ल्ड कप है दोस्तों जिसमें सभी उम्र के जो है लड़के खेल सकते हैं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, ये इस साल है कतर में होने वाला है, कतर और कुछ मैच शायद सऊदी अरेबिया में हो। फिर दोस्तों इस साल अगर मैं बात करूं कॉमनवेल्थ गेम वो बर्मिंगम में होंगी, बर्मिंगम कहां है, यूके में है। फिर इस साल जो एशियन गेम्स हैं वो दोस्तों चाइना में होंगी, हैंगजाऊ नाम के शहर में, और आपको सबको याद होगा विंटर ओलंपिक्स भी चाइना में हो रही है बीजिंग में, वो तो अभी अगले महीने से शुरुआत हो ही जाएगी। तो बर्मिंगम, कॉमनवेल्थ, हैंगजाउ, एशियन गेम्स चाइना में और बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओलंपिक्स की तो 2024 की ओलंपिक्स पेरिस में होगी, 28 की ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में होगी, 32 की जो ओलंपिक्स है वो ब्रिस्बेन में होगी, और ऐसा माना जा रहा है कि 48 में ये भारत को मिल सकती है अगर भारत की कैपेबिलिटी हुई तो। इसके अलावा 2023 की बात करूं 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी भारत में होगा, और इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप भी भारत में होगा, और दोस्तों हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भी भारत के उड़ीसा के रुड़केला में बनने जा रहा है। और उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे जो वेन्यूज हैं आपके माइंड में छप गए होंगे, दिमाग में आ गए होंगे, और दोस्तों आपको सिर्फ क्या कर रहे हैं कि इनको एक बार लिख लेना है, और हर रोज
या हर एक दिन के बाद है, इनको रिवाइज करते रहना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पहला सेशन जो आज की प्रमुख सुर्खियों के लेकर होता है उसकी समाप्ति होती है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा, आपका कोई भी जो डाउट है नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर है डाउट तो पूछ लीजिए दोस्तों, 10-20 सेकंड है आपके पास। और यहां पर बड़े कुछ लिख रहे हैं स्टूडेंट, साथ ही साथ मैं वो भी पढ़ लूं कि सर 2028 में क्रिकेट ओलंपिक्स में क्रिकेट ऐड हो सकता है, बिल्कुल जी हो भी सकता है, और ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 का ओलंपिक, हाँ जी ब्रिस्बेन में होगा बिल्कुल जी, और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप भी इस साल ऑस्ट्रेलिया में होगा मैं बता दूं। और यहाँ पर अमित ठाकुर जी काफी कुछ लिख रहे हैं कि सर CS2 टू रिड्यूस टेररिस्ट इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा, हाँ जी बिल्कुल। और बिरसा मुंडा रुड़केला उड़ीसा, वेरी गुड जी। बिरसा मुंडा वैसे झारखंड से थे अंकुर राजपूत जी, हाँ जी ध्यान रखिए। और आपको याद होगा कि उनका जन्मदिवस भी जो है कुछ हमने सेलिब्रेट किया था मोदी गवर्नमेंट ने 15 अक्टूबर को, अगर आपको याद है तो जरूर बताएं, मेरे याद नहीं आ रहा, तो जो है उसको इसी साल से उसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ऑल क्लियर के लिख दीजिए, और या फिर डाउट है तो पूछ लीजिए, हाँ जी। तो 2028 में भी, हाँ जी क्रिकेट ऑलरेडी कंफर्म्ड, ओके जी ओके, नहीं होगा क्रिकेट, कोई बात नहीं अमित जी, ये बातें हैं चलती रहेंगी क्योंकि ये अभी अब तक हमने कन्फर्म किया ही नहीं है। चलिए ऑल क्लियर आ चुके हैं जी, हालांकि कम ही स्टूडेंट्स के आए हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं आए तो शायद वो या तो कर नहीं पा रहे हैं मैसेज, या फिर दोस्तों है उनको समझ आ ही गया होगा। तो NNP है भारत भूषण जी, दोबारा से आप जरूर देखना, आमतौर पे GNP में से हम डेप्रिशिएट करते हैं तो उसे NNP बोल देंगे। और चलते हैं अगले सेशन में, और दोस्तों ऑल क्लियर नो डाउट, ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन में हम MCQs करेंगे, इस सेशन में उन MCQs से जुड़ी हैं दोस्तों, पहले हम सुर्खियां पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले बिना किसी कंजूसी के सेशन को शेयर और लाइक है दोस्तों करते रहिए, ताकि जो है दोस्तों और एनर्जी से है हम आपको पढ़ा सकें और आप इसको पढ़ सकें। तो चलते हैं दोस्तों, पहली जो खबर है वो है 3 मेंबर कमेटी जो मोदी जी की सिक्योरिटी लैब्स को लेकर दोस्तों बनी है, कल उसका जिक्र मैं आपसे कर भी चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। दूसरा जो न्यूज है वो जुड़ा है सी ड्रैगन एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ, उम्मीद करता हूं ये भी याद होगा, कल ही तो किया था, 6 कंट्रीज हिस्सा ले रहे हैं एयरफोर्स के दोस्तों, लेकिन इससे जुड़ा MCQ आएगा आज। फिर तीसरा जो है वो है कि एक दोस्तों छोटा सा अफ्रीकन कंट्री है कैमरून, वहां पर एक नया प्लांट है उसकी दोस्तों खोज हुई है, डिस्कवर, और उसको जो बड़े मशहूर हॉलीवुड के एक्टर हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, उनके नाम पे उनका नाम भी रखा गया है, उसका नाम जो रखा है दैट इज दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पर तो नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं MCQ में आ जाएगा। फिर दोस्तों चौथा प्रश्न है कि ओपन रॉक म्यूजियम दोस्तों, इसमें बड़े सारे बिलियंस मिलियंस पुराने जो पत्थर हैं, लगभग 20-40 लाख साल पुराने जो पत्थर हैं उनको वहां पे रखा गया है। और दोस्तों ये जो म्यूजियम है ये हैदराबाद में इसकी शुरुआत हुई है, इसकी इनोग्रेशन की है हमारे जो साइंस एंड अर्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। पांचवा प्रश्न है हमारे प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से जुड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि पूरे भारतवर्ष में स्टार्टअप को लेकर एंटरप्रीन्योरशिप को लेकर लोगों को आकर्षण जो है उनको अट्रैक्ट किया जा सके। और छठा प्रश्न है कि थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं दोस्तों, रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्ट्री ने है ऑर्गेनाइज किए हैं, तो हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र शेखावत जी ने इनको ऑर्गेनाइज किया है, अनाउंस किया है। तो अब चलते हैं हम हमारे पहले प्रश्न पे, और इससे पहले सर चाइना इज शॉर्टेज ऑफ व्हाट, हाँ जी तो शॉर्टेज ऑफ व्हाट, हाँ जी यहाँ पे अभिषेक पठानिया जी पता नहीं क्यों पूछा ये क्वेश्चन। और अब हम चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है 3 मेंबर कमेटी जो बनाई है, जो फिरोजपुर में पंजाब प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी लैब्स हैं दोस्तों, उसको लेकर उस कमेटी के हेड कौन हैं, अजीत वसंत, अजय कुमार, जालाजी श्रीवास्तव या सुधीर कुमार सक्सेना, उम्मीद करता हूं याद होगा, कल ही तो किया है, लगभग सभी 140 से ज्यादा बच्चे बैठे हैं, सभी के उत्तर आने चाहिए या जो भी दे सकते हैं दोस्तों, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ DDD ही देखना चाहिए, हाँ जी। तो दोस्तों DDD ही आ रहा है और बिल्कुल सही है दोस्तों, 3 मेंबर कमेटी है, और ये अपनी जो रिपोर्ट है वो जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष पेश करेगी, जिनका नाम NV रमाना जी है, और उसके बाद ही कोई किसी तरह का डिसीजन ले लिया जाएगा। तो अब इतना तो क्लियर है कि अब किसी तरह का गवर्नर रूल तो नहीं लगने वाला, क्यों, क्योंकि वहां पर पंजाब में ऑलरेडी कोड ऑफ कंडक्ट है, लग ही चुका है, तो कोड ऑफ कंडक्ट है दोस्तों ऑलरेडी है, जो प्रेसिडेंट है गवर्नर के पास है, पावर आ ही चुकी है। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है सी ड्रैगन एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ, अब 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, यहां पर US है जो लेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जिसको जो लीड है जो है US करेगा, और दोस्तों यहां पर जो प्रैक्टिस किया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स,
ताकि आने वाले दिनों में सबमरीन से जुड़े जो खतरे हैं उनसे टाला जा सके। और दूसरा, यहां पर इंडिया एंड इट्स पार्टनर्स इन क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग। दोस्तों अब क्वाड सिक्योरिटी जल्दी से बता दें, क्वाड के कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो दोस्तों क्वाड कंट्रीज के साथ कैनेडा और साउथ कोरिया पार्टिसिपेट करेंगे इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में, जिसका नाम रखा है सी ड्रैगन। और दोस्तों ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ऑर्गेनाइज की जाएगी। यहां पर एक और चीज मैं ऐड कर दूं जो प्रश्न में नहीं है, दोस्तों यहां पर जो है एयरफोर्स, इन छह ही कंट्रीज की जो एयरफोर्स है वो हिस्सा लेने वाली है। तो एयरफोर्स की ये एक्सरसाइज होगी, नाम है इसका सी ड्रैगन, और दोस्तों ये होगी वेस्टर्न पैसिफिक में। और उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को पता ही होगा दोस्तों, दोनों ही पॉइंट्स बिल्कुल ठीक। और क्वाड के जो चार कंट्रीज हैं, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब आपसे एक और प्रश्न मैं पूछ लेता हूं दोस्तों, अगर क्वाड की हम बात कर ही रहे हैं तो यूएसए ने अफगानिस्तान में शांति बहाली करने के लिए एक और क्वाड बनाया था, मुझे उस क्वाड के भी चार जो है दोस्तों उन चार कंट्रीज के नाम बता दीजिए। अब ऑब्वियसली बात है यूएसए ऑर्गेनाइज कर रहा है, यूएसए बना रहा है, तो यूएसए तो होगा ही होगा, अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए है तो अफगानिस्तान भी होगा। तो बाकी दो कंट्रीज के नाम बता दिए, जो हमारी जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए है, देयर इज अ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आपको याद होगा या नहीं पता तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। और जो है शांति बहाली जो अफगानिस्तान में है उस क्वाड का नाम है, जल्दी से बता दें। साथ ही साथ एक और आपको चीज बता देता हूं दोस्तों, ओकस, ये भी कई बार आपको प्रश्न आ सकते हैं। ओकस एक और तीन कंट्रीज का ग्रुप है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए तीन कंट्रीज ने है डिफेंस का कॉपरेट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। और यूर एस्पिरेशन ने है सबसे पहले उत्तर दिया है यूएस, पाकिस्तान, अफगान और तजाकिस्तान। बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छा, वैसे बड़े कम ही उत्तर दिए हैं यूर एस्पिरेशन ने, लेकिन आज जब भी आप पहला उत्तर दिया तो बड़ा दुरुस्त दिया जी। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, और जो तीसरा प्रश्न है वो जुड़ा है हमारे इस नाम से, ओवारा ओप्सिस डी कार्पियो। मैंने बताया था हॉलीवुड के एक्टर लियोनार्डो डी कार्पियो पे ये नाम रखा गया है। तो दोस्तों ये जो ट्री है जिसका नाम रखा है ओवारी ओप्सिस डी कार्पियो, इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है किस कंट्री से? ऑलरेडी बता चुका हूं, अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री है दोस्तों, जो सेंट्रल अफ्रीका का, कैमरून, फ्रांस, इंडोनेशिया, स्पेन। अफ्रीकन सुन के दोस्तों इजिली आप इसका आंसर तो दे ही सकते हैं, और मैं जो है मानता हूं कि सभी स्टूडेंट्स अब ए ए ए ही आना चाहिए। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दैट इज द कैमरून। तो इस पेड़ का जो नाम है जिसको डिस्कवर किया गया, ओवारी ओप्सिस डी कार्पियो, और हॉलीवुड एक्टर क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, इस वजह से है इनको ये नाम है, इस पेड़ को ये नाम है दिया गया है जी। और दोस्तों अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है ओपन रॉक म्यूजियम से जुड़ा हुआ, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये किस शहर में है इनोग्रेट किया गया है? इसको जो अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया भारत के जो अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने है इसको इनोग्रेट किया। दोस्तों इसमें बहुत ही साल पुराने पत्थर, मतलब कहा गया कि लगभग 3.3 बिलियन, लगभग 300 लाख साल पुराने पत्थर है दोस्तों, या फिर उससे शुरू होकर, और दोस्तों जो है मिलियंस ईयर्स जो पुराने पत्थर हैं, या फिर जो धरती की जो सतह है उसके अंदर हम चले जाएं तो 165 किलोमीटर के अंदर जो पत्थरों को खोज करके इस म्यूजियम में वो रखा गया। और ये जो म्यूजियम है दोस्तों, इसकी इनोग्रेशन जितेंद्र सिंह जी ने कहाँ किया है? हैदराबाद में की है, जो कि जो है तेलंगाना की कैपिटल है। आंध्र की कैपिटल कौन सी, जल्दी से मुझे बता दें, आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी है या जो बनने वाली है? जब 2014 में तेलंगाना बना था तो दोस्तों उस वक्त तो ये दोनों ही प्रदेशों की कैपिटल थी, लेकिन फिलहाल आंध्र को एक नई कैपिटल है दी जाएगी, तो उसका नाम क्या है जल्दी से मुझे बता दें। और ओपन रॉक म्यूजियम है दोस्तों, उसकी शुरुआत है हैदराबाद में होगी। मैं चलता हूं अगले प्रश्न पे, पांचवा प्रश्न, और साथ ही साथ बच्चों के उत्तर आने शुरू हो चुके हैं अमरावती के साथ ही। तो दोस्तों अमरावती इज द करेक्ट आंसर, पांचवा प्रश्न है हमारे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से जुड़ा, जो रिसेंटली स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि पूरे भारत में लोगों को दोस्तों जो है अट्रैक्ट किया जा सके नए स्टार्टअप्स को लेकर। तो इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय DPIIT दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत जो आते हैं। अब यहां पर मुझे आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी बताएंगे जल्दी से। और इसका मकसद है कि आजादी की ये जो हम अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स, तो दोस्तों इसमें लोगों तक है जो है एंटरप्रीन्योरशिप के जो बेनिफिट्स, या फिर उसमें जो है देश की तरक्की, देश की जो ग्रोथ है कैसे हो सकती है, इसके बारे में अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाएंगे। और ये जो दोस्तों दोनों जो पॉइंट्स हैं ये स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक से जुड़े हुए हैं। तो आपका जो उत्तर है वो कौन सा होगा? उम्मीद करता हूं जो है दोस्तों पहला, दूसरा, दोनों ठीक या दोनों गलत, आपका उत्तर है जो है आ ही चुका है जी। अमित वर्मा ने आंसर दे दिया है, साथ साथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी बता दिए हैं पीयूष गोयल जी।
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। दोस्तों हमने रिसेंटली दो दिन पहले पीयूष गोयल जी का एक और प्रश्न पढ़ा था, हालांकि उनका जिक्र नहीं किया था जब वो हिमाचल आए थे और वहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था। हिमाचल गवर्नमेंट अपने जितने भी स्टील से जुड़े रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेल से है, वो दोस्तों मंगवाएगी सेल से है, वो से जो है खरीदेगी। तो तब भी पीयूष गोयल जी ही हमारे मुख्यमंत्री साहब से मिलकर उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था। और दोस्तों इस प्रश्न का देखें दोनों ही पॉइंट्स हैं बिल्कुल ही ठीक है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक से जुड़े हुए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट इज द पीयूष गोयल। पहले ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, फिलहाल जब हमारे बहुत सारे मंत्रालय दोस्तों एक दूसरे में अदला बदली की गई थी तो इनको हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दे दी गई थी। लास्ट प्रश्न दोस्तों सिक्स्थ जो क्वेश्चन है ये है हमारे थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड से जुड़ा हुआ। अब सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कि हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, कुछ ही मिनट पहले मैंने आपको बताया भी था। तो दोस्तों ये दो पॉइंट्स हैं इस नेशनल अवार्ड वाटर से जुड़े हुए। बेस्ट स्टेट कैटेगरी में नंबर वन मध्य प्रदेश आया है, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु। और ये जो नेशनल वाटर अवार्ड है दोस्तों इसको जल शक्ति मिनिस्ट्री ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं दोस्तों, आप बताएंगे दोनों ठीक दोनों गलत, पहला ठीक या पहले गलत। और जो उत्तर है दोस्तों जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको मिली है दोस्तों, वही काम करते हैं, बहुत उम्दा बहुत अच्छा। और साथ ही साथ बता दूं यहां पर सिर्फ और सिर्फ दूसरा पॉइंट ही ठीक है, क्योंकि बेस्ट कैटेगरी में है दोस्तों नेशनल वाटर अवार्ड में वो मध्य प्रदेश नहीं है, दैट इज द उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल नंबर वन है, हालांकि दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे तो तमिलनाडु ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये छह के छह प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और किसी भी तरह का डाउट है तो आपके पास 10-20-30 सेकंड का समय है, जल्दी से अपने डाउट पूछ लीजिए। और दोस्तों अगर सब कुछ क्लियर हो गया है तो दोस्तों आप जल्दी से ऑल क्लियर लिख के सेशन को हिमाचल स्पेशल से पहले है सेशन को शेयर और लाइक है जरूर कर दें। तो यहां पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ऑल क्लियर का इंतजार कर रहा हूं, और अगर डाउट है कोई तो दोस्तों वो भी पूछ सकते हैं। और यहां पर हाँ जी परमाणु फ्लावर मंडी, बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हम दो दिन पहले कर चुके हैं। वैसे ट्रिब्यून में जो न्यूज है आज आई है दोस्तों, जो हिमाचल की जो फूल मंडी है वो परमाणु में इनोग्रेट की गई है, लेकिन दो दिन पहले मैं करवा ही चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि हिमाचल से जुड़े जितने भी करंट हैं जो आपको करवाए हैं अगर एग्जाम में आए तो दोस्तों बिना ऑप्शन देखे, आप में से कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि दोस्तों आप करंट अफेयर इसी तरह से करते रहे, और दोस्तों आपको वो है करंट अफेयर को लेकर वहां पर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होगी। कितने स्टूडेंट्स को ये विश्वास है, कितने स्टूडेंट्स को ऐसा ट्रस्ट लगता है अपने आप पर। और दोस्तों मेरी इस क्लास पे मैं सुनना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोस्तों मजा फिर ही है हर रोज इतनी मेहनत करने का, इतने अच्छे कंटेंट करने का, कि वहां पर आप ऑप्शन ढूंढो। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि परमाणु में जो है फूल मंडी कहां, तो आपका माइंड है परमाणु को दोस्तों ढूंढना होगा। अगर आपको पूछ ले कोई भी प्रश्न कि 75 years जो 75 day लॉन्ग जो फेस्टिवल है वो कहां लगेगा, या फिर हिमाचल से जुड़ा कोई भी जो प्रश्न है, आपको सिर्फ ऑप्शन देखना होगा और आपको याद जरूर होगा। ऑलरेडी आपको ये जो क्लास है 7:45 की, ये है दोस्तों आपके रग रग में है, बस जानी चाहिए, फिर ही जाके है जो है हर रोज इतनी मेहनत करने का फायदा है। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। तो कोई बात नहीं, संगराज ठाकुर जी लेट हो गए हैं लेकिन अपनी पूरी एनर्जी के साथ है, अब आ जाइए। हिमाचल से जुड़ा पहला जो प्रश्न है वो जुड़ा है ई गवर्नेंस से जुड़ा। तो दोस्तों थर्ड आई किसे कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं सीसीटीवी को। दोस्तों ये जो सीसीटीवी से जो है कहा गया कि एक जो पुलिस है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, सोलन, बद्दी, मंडी, धर्मशाला, कौन सी जो है पुलिस ने है बेहतरीन काम किया, और ये सीसीटीवी कैमरा पूरे शहर में लगाकर वहां पर पिछले साल के एनालिसिस से ऐसा आंका गया कि 20% तक है जो क्राइम रेट है वो कम हुआ है जी। तो इस वजह से है इस ई गवर्नेंस अवार्ड में जो कि हैदराबाद में हुए, तो दोस्तों इस शहर की जो पुलिस को है जो सिल्वर जो है मेडल से नवाजा गया है। और इसका जो उत्तर है वो आने लगे हैं जी, और इसका जो सही उत्तर है दैट इज द बिल्कुल हिमाचल चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है दोस्तों बद्दी। तो बद्दी में है इनको, ये ई गवर्नेंस में है, थर्ड आई प्रोजेक्ट को है नेशनल जो है सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जी। बद्दी पुलिस नोन एज द BBN पुलिस ऑल्सो जी। तो यहां से कोई स्टूडेंट है बद्दी से तो जरूर मुझे बताएं, क्योंकि दोस्तों कभी सुना नहीं, क्योंकि जब भी मैं पूछता हूं कि दोस्तों आप कहां कहां से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां से मुझे लगता है कभी कोई स्टूडेंट जुड़ता ही नहीं है। तो कोशिश करिए सभी शहरों, सभी गांव के स्टूडेंट, जितने भी गांव हैं हिमाचल में, जितने भी शहर है, हर शहर हर गांव का बच्चा है इस सेशन के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि दोस्तों यहां पर जब हम काम करें, जहां पर जब टेस्ट लें, तो बेस्ट जो रिजल्ट है, बेस्ट जो प्रैक्टिस है आपकी वो हो सके जी। और दोस्तों दूसरा प्रश्न है हिमालयन
हाँ दोस्तों, ये जो यहाँ पर जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? यहाँ पर मैं फिर पूछ लूँ, हिमालयन नेशनल पार्क है तो ये सोलन में है, कांगड़ा में है, कुल्लू में है या शिमला में है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आ ही चुका है जी, लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दे दिया, और कुछ बच्चे हैं जो नालागढ़ से भी हैं जुड़े हुए, लेकिन इसका उत्तर बिल्कुल 100% बच्चों ने सही दिया दोस्तों, दैट इज द कुल्लू। तो कुल्लू में नेशनल पार्क है दोस्तों। और ये आपको जो तीसरा प्रश्न ऑलरेडी आपको मैं बता ही चुका हूं, 5 दिन लंबा चलने वाला विंटर कार्निवल है दोस्तों, रिसेंटली जो है मनाली में कुल्लू में ऑर्गेनाइज किया गया। आज भी इसको लेकर का काफी सारी फोटोज थी, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे वहां पर मिस मनाली कौन बन गया दोस्तों, नाटी में विनर कौन बन गया, तो इस तरह के कई प्रश्न थे, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो मैंने छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे दोस्तों? आपको भी पता है क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट 1 मिनट में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जिसको आप किसी भी कीमत पे जो है छोड़ नहीं सकते, जिसको आप किसी भी कीमत पे है दोस्तों स्किप नहीं कर सकते, तो उसकी शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रहा हूं रिवीजन के लिए, उससे पहले सेशन को शेयर और लाइक के द्वारा 2 मिनट के लिए जरूर कर दें। और अक्सर कह रहे हैं कि सर HCS ओशिन शर्मा स्टूडेंट ऑफ सिविल स्टैफ यूपी एट बिलासपुर। हाँ जी बिल्कुल, तो बिलासपुर में उन्होंने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था ताकि वहां के बच्चों को वो प्रेरित कर सके अपनी जो है सक्सेस स्टोरी से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इलेक्शन का बिगुल बज चुका है यूपी में, मणिपुर में, पंजाब में दोस्तों, गोवा में और उत्तर प्रदेश में, और ये जो इलेक्शन अलग अलग वक्त है, अब फरवरी में ऑर्गेनाइज होंगे और 10 मार्च को इनका रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे जल्दी से बता दूं, भारत में सभी तरह के इलेक्शन दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही ऑर्गेनाइज करता है, सिवाय सिवाय हमारे पंचायतों के और म्यूनिसिपल के इलेक्शंस को छोड़कर, क्योंकि ये दो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथों में होते हैं। फिर दोस्तों अगला जो प्रश्न था वो था हमारा केरला में पलक्कड़ जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अब सर नहीं होगा, मैडम नहीं होगी, और सिर्फ होगा तो क्या, टीचर, सिर्फ और सिर्फ टीचर होगा दोस्तों। तीसरा एनएसओ दोस्तों, उसने कहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है इस 2021-22 में 9.2% से है ग्रोथ रेट करेगी, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण इससे जुड़े और दूसरे पॉइंट्स थे, चाहे CSO हो, GDP, NDP, GNP, NNP हो, या फिर आपको मैंने बताया था प्लानिंग कमीशन की जो प्रोजेक्ट जो ग्रोथ रेट थी वो भी आपको है लिख लेनी है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न था हमारा निमास से जुड़ा हुआ, और ये मल्टी डिमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स है, फ्रांस में हुआ है, जिसमें भारतीय आर्मी ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। फिर हमारा कजाकिस्तान को लेके है हमने दोस्तों चर्चा की, और यहाँ पर आपसे जुड़े जितने भी प्रश्न थे आपको मैं बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे। और लास्ट में हमने T20 के जो नए रूल है अगले महीने से शुरू होंगे उसके बारे में बात की। यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, सर ठंड बहुत है सर, पैग मारो अब। हाँ जी रोहित कुमार जी बोल रहे, कोई बात नहीं रोहित जी, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको दोस्तों, जो जो जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स आता है ना, मुझे लगता है कि वो एनर्जी वो गर्मी किसी भी दोस्तों और प्रोडक्ट से है और बेहतर है। तो दोस्तों उसके बाद MCQs की बात करें तो 3 मेंबर कमेटी सुधीर कुमार सक्सेना जी के अंडर बनी है। फिर सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो US में होगी, 6 मेंबर जिसमें क्वाड की कंट्रीज होंगे, साथ साथ कैनेडा और दोस्तों साउथ कोरिया भी होंगे। तीसरा कैमरून में है, एक नया पेड़ है उसको दोस्तों इन्वेंट किया गया, नई डिस्कवरी हुई है, जिसका नाम उबारा ओपसिस डिकार्पियो रखा गया है। फिर चौथा प्रश्न है हमारा कि फर्स्ट ओपन रोप म्यूजियम हैदराबाद में उसको जो है दोस्तों इनोग्रेट किया है हमारे जितेंद्र सिंह जी ने। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक की अगर हम बात करें, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने है ऑर्गेनाइज किया है, ताकि भारत में एंटरप्रीन्योरशिप को लेकर लोगों की राय को दोस्तों उसकी तरफ आकर्षण है बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स में जो है 2018 से जिसकी शुरुआत हुई थी जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा दोस्तों, पहला जो स्थान प्राप्त किया है वो यूपी ने किया है, दूसरा स्थान राजस्थान ने, और तीसरा स्थान दोस्तों तमिलनाडु ने। तो इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर है दोस्तों वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जिस तरह की स्माइलीज मुझे खुश चेहरे दिख रहे हैं, एक्चुअल में भी आपके चेहरे अपने घरों में बैठे हुए ऐसे ही होंगे, और दोस्तों ऐसे ही खुशी वाले जो चेहरे हैं दोस्तों बेस्ट रिजल्ट है वही दे सकते हैं। तो इसलिए हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, और दोस्तों अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा कंसिस्टेंट है, तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे दोस्तों और ज्यादा एनर्जी के साथ और ज्यादा अच्छे कंटेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।